स्माइल डिजाइनिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं डेंटल कैप्स और डेंटल वीनियर्स। काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम डेंटल वीनियर्स कराएं कि डेंटल कैप्स के लिए जाएं। मैं डॉक्टर विशाखा जैन फ्रॉम सेरेफिक डेंटल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में हमें डेंटल वीनियर्स पे जाना चाहिए और किस कंडीशन में वी शुड ऑप्ट फॉर डेंटल कैप्स। हम अगर नेचुरल टीथ प्रिजर्वेशन की बात करें कि हमारा नेचुरल टीथ स्ट्रक्चर किसमें ज़्यादा सेव्ड होगा, नेचुरल टीथ किसमें ज़्यादा बचा रहेगा, तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वीनियर। बोथ वीनियर्स एंड कैप से हम दांत का शेप, कलर और गैप्स को फिल कर सकते हैं। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, कैप्स और वीनियर्स से हम ये तीनों चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, बट हमारा नेचुरल टीथ जो है वो कम हमें ग्राइंड करना पड़ेगा डेंटल वीनियर्स में एज कम्पेयर टू डेंटल कैप्स, क्योंकि डेंटल कैप जो होती है वो हमारे टीथ को ऑल फाइव सर्फेसेस से सराउंड करती है और डेंटल वीनियर्स यूजुअली सिर्फ फ्रंट सर्फेस या जो हमारी बाइटिंग सर्फेस है उसको कवर करते हैं, तो इसमें हमें कम टूथ रिडक्शन करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली हमें डेंटल कैप में ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है डेंटल वीनियर्स से। बट अगर अच्छी टेक्निक से किया हो गया है तो डेंटल वीनियर्स भी कहीं शॉर्ट नहीं होते डेंटल कैप से स्ट्रेंथ के मामले में। बट जी हाँ, ये पूरी अपनी स्ट्रेंथ नेचुरल टीथ से ड्राइव करते हैं, इनकी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो स्ट्रेंथ में डेंटल कैप्स ऑब्वियसली सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू डेंटल वीनियर्स। फिर बात करते हैं लुक की। अगर आपने अच्छे डेंटिस्ट से करवाया है, उन्होंने एक अच्छा लैब सपोर्ट यूज़ किया है, तो नो डाउट दोनों ही में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा आपको एस्थेटिक देंगे, दोनों में बहुत अच्छा स्माइल डिज़ाइन आपको मिलेगा। कलर की बात करें, गैप करेक्शन की बात करें, शेप की बात करें, तीनों चीज़ें हम दोनों से बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। वीनियर्स जो है थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव ऑप्शन है। वीनियर्स आपको हर कोई प्रमोट नहीं करेगा करवाने के लिए, बिकॉज इसमें थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेंटल कैप। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि एक बहुत थिन स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक 0.3-0.5 mm का एक चीज़ है जिसको हम स्टिक कर रहे हैं आपके टीथ पे, तो इसकी जो बॉन्डिंग टेक्निक है वो बहुत सही तरीके से की जाने वाली चीज़ है। अगर वो उसमें हमने सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, सही स्टेप्स फॉलो नहीं करे हैं, तो हो सकता है कि वीनियर निकल जाए। तो काफ़ी लोगों से सुनने में आता है कि वीनियर करवाया था वो बार बार निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वीनियर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ऐसा है कि बार बार निकलेगा ही। अगर इसको सही तरीके से किया गया है, सारी स्टेप्स फॉलो करी गई हैं, बॉन्डिंग इसकी अच्छी तरीके से की गई है टीथ से, जो टीथ का रिडक्शन है वो सही टेक्निक से किया गया है, तो दिस ऑल्सो लास्ट लाइफ लॉन्ग वीनियर। बट येस, इट इज़ टेक्निक सेंसिटिव, सो यू शुड सी कि आप सही स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं वीनियर्स करवाने के लिए। अब फाइनली टू कंक्लूड कि हम कैसे डिसाइड करें कि डेंटल कैप हमारे लिए बेहतर है कि डेंटल वीनियर, तो अगर आपके दांत में कहीं ना कहीं रूट केनाल पहले ऑलरेडी की गई है, तो रूट केनाल ट्रीटेड टीथ पे इट इज़ बेटर टू प्लेस कैप। सो हमें डेंटल कैप के लिए जाना चाहिए, बट इट इज़ अप टू योर डेंटिस्ट कि वो डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू, डेंटल कैप और डेंटल वीनियर्स, बोथ विल गिव यू गुड एस्थेटिक रिजल्ट्स। थैंक यू।